उपेंद्र मूर्ति की किडनैपिंग का प्लान बना था, लेकिन प्लान मैंने नहीं बनाया था, प्लान गणेश बनाकर मेरे पास आया था। उपेंद्र सेठ को उठाएगा तू? हम उठाएंगे, 5 करोड़ मांगेंगे, 2.5 तेरे, 2.5 मेरे। पुलिस का एजेंट हो गया क्या? हाँ, मुझे इस गेम में फंसाने के लिए कमीशन ले रहा हूँ लोगों से। कमीशन के पैसे मेरे कोई काम के नहीं है भाई, मुझे बड़े नोट चाहिए, इसीलिए प्लान बना। हाँ तो तू खुद कर ले, 5 करोड़ पूरा रख ले तू, मेरे पास क्यों आया? क्योंकि बाला तुझे काम आता है और मैंने कभी ये काम किया नहीं है। मेरी कोई गैंग वैंग नहीं है यार, छुपने छुपाने की जगह नहीं है मेरे पास। कोई चीज फोकट में नहीं होती है, फिरौती का हिस्सा पूरे गैंग वालों को बांटना पड़ेगा। फिरौती का पैसा हम किसी को नहीं देंगे, तो फ्री फंड में करेंगे वो लोग हमारे लिए काम, किराए पे रखेंगे, फीस देंगे उन्हें हम। तो गणेश कोटिया ने तुझे इस किडनैपिंग को अंजाम देने के लिए 4 लाख रुपए दिए? हाँ साहब, लेकिन किडनैपिंग तो हुई नहीं ना। किडनैपिंग हुई है, 2.5 करोड़ की फिरौती लेके मैं ऐसी फटीचर हालत में घूमता? फिरौती का 6 किलो सोना गणेश पुणे ले जा रहा था किसी को बेचने के लिए, लेकिन तूने उसे मरवा दिया और सोना पूरा अंदर कर लिया। ये लाल टोपी और काले चश्मे वाला आदमी तेरा आदमी है। सब गलत है, मैं 4 लाख खा गया। मैं क्या कर रहा है, जान लेगा दरवाजे की? जान तो तू मेरी ले रहा है, तू कल उपेंद्र मूर्ति को उठाने वाला था, क्या हुआ? ये चाय सुड़ू सुड़ू के पीने से और कागज पे पेन का घसीटा मारने से प्लान नहीं बनता है, पहले सुन ले। अगर वो उपेंद्र सेठ की सिक्योरिटी तोड़ के उसको उठा भी लेते ना, तो उसके घर वाले भी होम मिनिस्टर के पास चले गए होते। मैंने पूरी तरह सोचा है, उसको उठाने का कोई प्लान काम नहीं कर सकता। प्लान काम करेगा पर कोई और करेगा। वो 4 लाख रुपए मुझे लौटा दो वापस। और छुपे हो तो? गए का क्या मतलब, लौटाओ यार चुपचाप। तो गैंग वालों को दे दिया ना, खर्च हो गया, उनको दे दिए, बांट दिए सब मैंने। अरे लेकिन काम तो हुआ ही नहीं ना। शुक्र करके प्लान कैंसिल किया, वरना अभी पुलिस वाले हमें हवालात में ठोक रहे होते, या उपेंद्र सेठ के सिक्योरिटी वाले हमें ठोकते। तूने चीटिंग की ना मेरे से, तू मेरे सारे पैसे खा गया। मैंने तेरे पैसे सब गैंग वालों में बांट दिए, और अपने धंधे का उसूल है, एक बार पैसा लेने के बाद लौटाते नहीं है। मैंने अपने गैंग के पुराने किसी भी आदमी को फोन नहीं किया, न किसी से मिला। 4 लाख में से 1.5 लाख मैंने अपने खाते में जमा करा दी, और 2.5 लाख मैंने एक भरोसेमंद रिश्तेदार को दे दिए डिपॉजिट करने के लिए। मैंने सर पहले दिन से सोच लिया था कि यह गणेश बावला हो गया है, और इस काम में मुझे अपना फायदा देखना है। गणेश बावला क्यों हो गया था? इस बारे में उससे मेरी बात तो नहीं हुई सर, लेकिन उसकी हालत एकदम फड़फड़ाई हुई थी। आपको मेरा यकीन नहीं आ रहा तो आप ईश्वर शेट्टी से पूछ लो, वो ईश्वर के साथ मिलकर एक बड़ी चोरी प्लान कर रहा था। ये ईश्वर शेट्टी बाला जिसका नाम ले रहा है, ये भी उसी की तरह एक हिस्ट्री शीटर है। एक तो बाला, मुझे इस पर भरोसा नहीं, और ये गणेश, पहले किडनैपिंग की सुपारी और अब ये चोरी का प्लान। सर हो सकता है किसी और ने गणेश से किडनैपिंग करवाई, और पैसे भी किसी और के। लेकिन सर बाला कह रहा था कि किडनैपिंग हुई नहीं। चलो वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन उपेंद्र मूर्ति वो भी ये कह रहा था कि किडनैपिंग नहीं हुई। ऑन द रिकॉर्ड कुछ नहीं, लेकिन बैग में सोना था, वो भी 6 किलो। पर अजीब बात यह है कि जब 11 फरवरी की रात को चंद्रापुर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान गणेश कोटियान को रोका था बिना लाइसेंस के कार चलाने के चार्जेस में, उस वक्त उन्हें गणेश कोटियान की कार में कोई बैग नहीं मिला। हो सकता है गणेश के पास 6 किलो सोना था ही नहीं, हो सकता है चंद्रापुर में कोई उसे वो सोना देने वाला था। लेकिन चंद्रापुर के PSI शेख को गणेश कोटियान की कार में कोई खाली बैग तो मिलना चाहिए था ना। अगर गणेश को चंद्रापुर से या फिर कहीं और से सोना मिलने वाला था तो उसने अपनी वाइफ को क्यों बताया सर? लक्ष्मी को गणेश के बिजनेस तक के बारे में नहीं पता था, तो फिर उसने उसे सोने के बारे में क्यों बताया? इस ईश्वर शेट्टी को उठाओ। अशोक, शांति, तुम दोनों मैंगलुरु के लिए निकलो और लक्ष्मी कोटियन की क्वेश्चनिंग करो। राइट सर। सर ये लाल टोपी और गॉगल्स वाला आदमी डेफिनेटली गणेश कोटियन की पहचान का कोई था, और कुछ तो है तो मुझे इस केस में अजीब लग रहा है। कुछ ना कुछ अजीब तो जरूर था, या तो इस बैग में या फिर खुद गणेश कोटियान में। पहले ही बताओ कौन हो तुम? मायने नहीं रखता कि मैं कौन हूँ, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि जब गणेश कोटियान पुणे गया था तो उसके साथ मैं कौन था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे पूछ नहीं रहे हो बल्कि मुझे धमका रहे हो?
अभी तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, धमकी दी नहीं है। सवाल है, गणेश कोटियान के साथ में पूना कौन गया था? मैं नहीं गया था, मुझे बस इतना पता है मैं नहीं गया था। कल मैं दोबारा फोन करूंगा, तब तक तू पुलिस के यहाँ जाना नहीं। और ये पता लगा कि गणेश कोटियान के साथ में कौन था, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए मतलब किसके लिए? कौन हो तुम? तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि हम कौन है, हम जो भी है तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। है मकरंद, खबरी की छठी औलाद, सीधे सीधे बता कि तुझे कैसे पता चला कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। क्या ईश्वर अन्ना, जैसे मैं आप लोगों को खबरी हूँ ना, वैसे पुलिस वालों के भी खबरी होते हैं। छोटी सी दुनिया हमारी, बातें होती है आपस में। नाम बोल। आपका पुराना दोस्त बाला स्वामी, किडनैपिंग स्पेशलिस्ट। उसको ऐसे ही मुझ पे प्यार आ गया और उसने मेरा नाम ले लिया? ये पुणे साइड से टीम आई पुलिस की, अपना गणेश कोटियान है ना, उसका मर्डर केस लेकर। उन्होंने बाला को उठाया, अभी आपको उठाने आ रहे हैं। मेरी राय मानो तो आप सरेंडर कर दो। किडनैपिंग? मेरे पति किडनैपिंग करवाने वाले थे? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें भनक तक नहीं थी कि तुम्हारे पति गणेश काम क्या करते थे? उन्होंने मुझे बताया था कि वो गोल्ड का बिजनेस करते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं और मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं। एक सिंगल रूम कोठरी से तुम इस आलीशान कोठी में आ गई, तुम्हारे मन में कभी ख्याल नहीं उठा कि इतना पैसा आया कहाँ से? जब किसी सवाल का जवाब दे दिया गया हो तो उसे बार बार पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ, इसलिए पूछने की जरूरत नहीं है ना। लक्ष्मी, तुम मुझसे कुछ पूछ रही हो या कुछ बता रही हो? आप काम क्या करते हैं? हम एक रूम से इतनी बड़ी कोठी में कैसे पहुंचे? अप्पा ने पहुंचाया। लक्ष्मी, मेरी अम्मा ऐसी ही कोठियों में झाड़ू पोछा लगाकर पैसा जुटाती थी और अप्पा वही सारे पैसे लूटकर शराब में उड़ा देते थे। लक्ष्मी, मैं इंजीनियर अमीर बनने के लिए बना। तुम्हें पता है मेरी बचपन से एक ही ख्वाहिश थी, मुझे गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी। लोग मुझसे बोला करते थे गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, पर पता है मैं क्या बोलता हूँ? अमीर होना भी कोई गुनाह नहीं है लक्ष्मी। बिजनेस करता हूं मैं, किसी का घर नहीं उजाड़ता, किसी का गला नहीं काटता, बस अपना घर आबाद रखता हूं। सोना, गोल्ड, और हम इस बिजनेस के बारे में जितना कम बात करें उतना अच्छा है। और खामोश रहना तो कोई गुनाह नहीं है ना लक्ष्मी। तुम, चित्रा और अम्मा मेरे हीरे हो और तुम्हें चमकता रखने के लिए मैं सोना तो क्या किसी भी चीज का बिजनेस कर सकता हूँ। गोल्ड का बिजनेस करते थे बस इतना पता था, जो कि उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई से अलग था, बाकी वो कभी कुछ नहीं बताते थे। लेकिन उस दिन 10 फरवरी को बताया। लक्ष्मी, मैं 17 फरवरी तक पुणे से लौटूंगा, 6 किलो सोना लेके जा रहा हूँ। खास उसी दिन ये ऐलान करने का कारण क्या था? मुझे नहीं मालूम मैडम। जब हम मिले थे चित्रा के अप्पा और मैं, तब हम गरीबी थे पर खुश थे। वो एक अच्छे पति थे, एक अच्छे अप्पा थे और बहुत अच्छे बेटे थे। तुम्हारे पति की खामोशी एक मुजरिम की खामोशी थी लक्ष्मी, वो एक नहीं कई जुर्मों से जुड़ा हुआ था। हाँ, सबसे बड़ा जुर्म उसके साथ हुआ, मर्डर। हम उसके कातिल या कातिलों तक पहुंचने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे हैं, लेकिन हम उन तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम गणेश की असलियत नहीं जान जाते। मुझे भी अपने पति की असलियत जाननी है मैडम, मुझे भी जानना है कि गणेश ने किसी का ऐसा क्या छीन लिया था जो उसने मेरी बच्ची का अप्पा उसे छीन लिया और मुझसे मेरी जिंदगी। लक्ष्मी कोटियान के 6 महीने के फोन रिकॉर्ड्स और बैकग्राउंड चेक किए, दोनों क्लियर हैं।
अफेयर अफेयर का चांस तो लगभग जीरो है। भाई ये आदमी गणेश कोटियन गैर कानूनी रॉ गोल्ड का बिजनेस करता था, ऊपर से एक रॉबरी और किडनैपिंग प्लान की। पॉसिबल है कि इसने दूसरे क्राइम्स भी प्लान किए होंगे या फिर उन्हें अनजान तक पहुंचाया होगा। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और तुम्हारे नेटवर्क के किसी भी खबरी के पास इसके खिलाफ कोई भी खबर नहीं है? एक आदमी बोलने को तैयार है पर ऑफ द रिकॉर्ड्स। कौन है? उठाओ उसे, एक दो दिन में हमारे सामने होना चाहिए। नमस्ते सर। सर इसको पहले कभी नहीं देखा। तुमने और गणेश कोटियान ने 1 जनवरी को एक जौहरी की दुकान लूटी थी, ये 6 किलो सोना, वही लूट थी? हम लोगों ने कोई दुकान नहीं लूटी, प्लान बना था लेकिन प्लान आगे नहीं बढ़ा। साहब ये सारा प्लान उस गणेश ने बनाया था। एसके ज्वेलर्स मंगलम स्ट्रीट के साइड पर है। वैसे तो जगह खाली खाली होती है लेकिन दुकान में सोना बहुत है। 31 दिसंबर की शाम को वो दुकान जल्दी बंद करेगा, इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। तो अकेले क्यों नहीं करता, मुझे क्यों साथ ले रहा है? क्योंकि मुझे ये काम नहीं आता ईश्वर, मेरी कोई गैंग वैंग नहीं है यार, अकेला हूँ, फ्री में नहीं काम कराऊंगा मैं तुम्हारे लड़कों को किराया देने के लिए तैयार हूँ और लूट का जो भी माल होगा वो तुम्हारे और मेरे बीच में आधा आधा। ये लो। प्लान बना था सर लेकिन आगे बढ़ नहीं पाया। क्यों? सब मैंने लड़के इकट्ठे भी कर लिए थे, उनको पैसे भी देते थे काम के लिए, लेकिन वो क्या है सर, 31 दिसंबर को अपने बंगलुरु में वो हुआ था ना लड़कों द्वारा लड़कियों का सामूहिक मोलेस्टेशन, वो जो मास मोलेस्टेशन हुआ था वो वही, ये उसी दिन हुआ जब हम लोग निकले थे। पूरे शहर में बवाल मचा हुआ था, हम लोगों की फट गई साहब, लगा अगर चेक इन में पकड़े गए तो। गणेश पुलिस चारों तरफ फैली हुई थी, हमारी सगले भी ठरकी हो जैसी है। पुलिस अभी भी शहर के CCTV फुटेज चेक कर रही है। बता हम ठहरे हिस्ट्री सीटर, पकड़ लेती तो? ईश्वर टाइम यही सही था, दुकान तब भी लूटनी थी, वो सोना मुझे चाहिए था ईश्वर। गणेश सोना और पैसा किसे नहीं चाहिए, पर सोच अगर पुलिस पकड़ लेती तो क्या करता? सोना चटनी लगा के इडली की तरह खाता है। तू मेरे पैसे खा गया ना? कैसे पैसे? वही जो मैंने तुम्हें दिए थे काम के लिए, 3 लाख कैश। अरे गणेश वो बच्चों के जेब खर्च के थे, वो कब का खा गए? तू ये पैसे भूल ही जा। साहब मैं उस बाला की तरह नहीं, उसने गणेश को उल्लू बनाया। मुझे जो 3 लाख रुपए मिले थे मैंने अपने बंदों को बांट दिए, सब हथियार वथियार लेके रेडी थे हम लोग दुकान लूटने के लिए। सच बोलूं तो गणेश के लिए बुरा लग रहा था मुझे, अब भी लग रहा है। साहब वो किसी तकलीफ में था। ऐसी भी क्या तकलीफ थी गणेश कोटियान को, वो इस लूट के लिए इतना उतावला क्यों था? मैंने पूछा था साहब लेकिन उसने बताया नहीं। ये 6 किलो सोना ये कहाँ से है उसके पास? सर आपको पता ही है पूरे मंगलुरु में कच्चा सोना किलो के हिसाब से सबसे कड़क आदमी के हाथ में है, उसी का होगा ना सर। तो इस गणेश के कत्ल में भी उसी का हाथ है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। कुछ दिन पहले गणेश आया था जौहरी के लूट के लिए पैसे देने के, फिर उसके बाद उसके मर्डर की खबर सुनी, फिर उसके बाद ये 6 किलो सोना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। सर लक्ष्मी को खूब घिसा पर वो घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह एक ही बात बोले जा रही है कि उसको पता नहीं है उसका पति सोने के साथ क्या करता था और वो लूटपाट के लिए इतना उतावला क्यों था। यहाँ ईश्वर शेट्टी से भी सिर्फ इतना पता चला है कि रॉबरी फेल क्यों है, लेकिन गणेश के मोटिव के बारे में, 6 किलो सोने के बारे में और गणेश के मर्डर के बारे में ये ईश्वर शेट्टी कुछ नहीं बता रहा। सर पेंट से सर आज किसी इन्फॉर्मर से मिलने वाले हैं पाई सर के साथ, हो सकता है वहां से कुछ निकले। भाई 11:30 बज रहे हैं, तुम्हारे सोर्स ने 11 बजे आने के लिए कहा था। मेरा सोर्स नहीं फिर से, मेरे एक सोर्स का सोर्स है। भाई तुमने वेल लेफ्ट करने की बात की थी, समझ में आता है, लेकिन इस पूरे इलाके में रॉ गोल्ड की स्मगलिंग चलती रही और किसी के रडार में नहीं आया। ये बिजनेस इतना खुफिया, इतना सीक्रेट तरीके से करते हैं मानो इस कार्टल के लोगों ने खामोशी की कोई कसम वसम खाई। हेलो आना कैंसल भाई साहब, और आप लोग मेरे नंबर को ट्रस्ट भी मत ही करो। देख जो भी है तू ज्यादा हीरो मत बन, सब्र की लिमिट होती है। आपका सब्र खत्म, फोन पर टिप दे रहा हूँ ना आपको। चल दे। आपके साथ पुणे पुलिस है ना? तेरा क्या ताल्लुक है बे? गणेश के मर्डर का टिप दे, किसने मरवाया उसे? इस सवाल का जवाब कई लोग ढूंढ रहे हैं सर। ये कौन कौन है कई लोग? नाम तो मैं नहीं लूंगा
क्योंकि इस धंधे में किसी का नाम तो उठाना दूर, किसी का साया भी नहीं दिखता। गणेश ने इस धंधे में धोखा किया सर। हमारे पास एक नाम है, सुंदरम गौड़ा। वो नहीं। तो फिर कौन है? गोल गोल बातें करते रहेगा, टिप भी देगा। ऐसा ही है, जो गणेश कोटियन था ना, एक नंबर का झोलू था। लेकिन इंजीनियर था ना, इसलिए एकदम कायदे से गिन गिन कर छोटे छोटे झोल कर रहा था। फिर लालच बढ़ती गई। ये गणेश उसके बॉस का एकदम वफादार खास आदमी था सर। इज्जत थी उसकी, एकदम सटीक तरीके से वो अपने बॉस का सोना अलग अलग पार्टियों को पहुंचाता था। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर लालच बढ़ती गई और वो कच्चे सोने के बदले में जो तैयार जेवर मिलते थे ना, उनमें से थोड़े जेवर खुद के लिए भी रख लेता था। वो चोरी थी साहब, और उसके बाद वो झूठ बोलता था। वो रतन सेठ के पास जेवर कम पड़ गया ना, तो उन्होंने बोला अगली डिलीवरी में हिस्सा बराबर कर देंगे। लेकिन सच ये था कि गणेश चुराए हुए जेवर बेचता था और पैसे अंदर कर देता था। और ये सब सालों से चल रहा था? कई सालों से सर। और उसने बड़ा हाथ मारा, पकड़ा गया और मारा गया? नहीं साहब, ऐसा नहीं था। तो फिर कैसा था? यही तो किसी को मालूम नहीं है। वो जो छोटी छोटी चोरियां कर रहा था ना, उसकी भनक उसके बॉस को लग गई थी। बस उसके बाद उसके बॉस का उस पे से भरोसा उठ गया था। और उसे बोला गया था उसने जितने भी झोल किए, जितने जेवर चुराए हैं, सबकी कीमत उसको चुकानी होगी, वो भी सूद समेत। और ये कीमत काफी बड़ी रही होगी। करोड़ों में सर, करोड़ों में। उसके सर पर कर्ज का भार खड़ा हो गया था। कर्ज? हाँ साहब, उसने लाखों का कर्ज लिया था लोगों से ताकि वो करोड़ों कमाए। तो ये लाखों रुपए का कर्ज उसने उपेंद्र मूर्ति की किडनैपिंग और इसके जोरेस की लूट की प्लानिंग में लगा दिया। ये सब आप जानते हैं सर? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ये गणेश बेंगलुरु के चंद्रपुर में किसी से मिला और उसके बाद 6 किलो का सोना लेके पुणे गया। किससे मिला था वो? नहीं पता साहब, रखता हूँ साहब। चलो इतना तो पता चला कि एक रूम की खोली कोठी कैसे बनी। हाँ, लेकिन भाई इसके अलावा कुछ और नहीं पता चला। शायद इसके अलावा कुछ और है ही नहीं पेंट से। एक आदमी के लालच ने इसकी जान ले ली। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि उसकी जान ली किसने? नमस्कार, पिछली बार आप लोगों ने बुलाया मैं हाजिर हुआ, आज फिर कॉल किया मैं फिर हाजिर हो गया। लेकिन फिर से वही सवाल मत कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बुरा सोचते हो, बुरा करते हो, फिर भी बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहे हो। अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो साइड हैं, लेकिन दोनों को साबित करने के लिए सबूत का सिक्का उछालना पड़ता है। खाली तुक्का लगाना बचकाना है। तुक्के को मुक्का बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कुरियर किंग सुंदरम गौड़ा। तुमने अपने सबसे भरोसेमंद कुरियर गणेश कोटियन का मर्डर करवाया। अरे बाप रे, इतना बड़ा पाप मैंने क्यों किया जी? क्योंकि उसने तुम्हारा सोना चुराया। सिर्फ सोना ही नहीं, तुम्हारा भरोसा भी चुराया। और तुम अपने बाकी कुरियर्स को यह मैसेज देना चाहते थे कि जो भी तुम्हारा भरोसा तोड़ेगा उसका यही हश्र। यह है वो आदमी जिसे तुमने गणेश कोटियन को मरवाने की सुपारी थी। यह मंगलुरु है सर, सुपारी के लिए वर्ल्ड फेमस है, लेकिन देने वाली नहीं, खाने वाली सुपारी। बहुत लंबे पेड़ होते हैं सुपारी के, और मैं इस वक्त इस सुपारी के पेड़ के सबसे ऊपर एकदम टॉप पर बैठा हूं। अभी नीचे से आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। चंद्रम गौड़ा, हमारे पुणे में सुपारी के पेड़ तो नहीं होते, लेकिन फिर भी इतना जरूर जानते हैं कि ये सुपारी के पेड़ बड़े नाजुक होते हैं। एक बार इस पेड़ को नीचे से पकड़कर झटक दिया ना, तो सुपारियां गिरने लगेंगी खुद ब खुद। मैं गणेश को नहीं जानता और ना इस जोकर को जानता। मैं एक अच्छे नागरिक की तरह अपनी ड्यूटी निभा रहा था। जब जब आप लोगों ने मुझे बुलाया मैं हाजिर हो गया, लेकिन अब नहीं। मैं एक फैमिली वाला आदमी हूं, मुझे दोबारा कॉल मत कीजिए, मैं नहीं आऊंगा। नमस्कार सर। अज्ञात सोर्सेस ने जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है,
हर किसी का यही कहना है कि सुंदरम गौड़ा इस मर्डर में शामिल नहीं है। ये अज्ञात सोर्सेज इतने भी अज्ञात नहीं है राजेंद्र, सब इसी सुंदरम गौड़ा के लोग ऑफिस में बैठे बैठे फोन कर रहे हैं, सुपारी चबाते चबाते अपने मालिक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अज्ञात होना एक नाटक हो सकता है। सर शायद ये 6 किलो सोने वाली बात एक नाटक है, शायद उस बैग में कुछ था ही नहीं। अगर ये 6 किलो सोने वाली बात नाटक है तो ये नाटक क्यों किया गया, हमारी इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के लिए? लेकिन सर गणेश अपनी पत्नी लक्ष्मी को क्यों गुमराह करेगा? उसने तो खुद कहा था कि उसके पास 6 किलो सोना है। क्या वो अपनी पत्नी से झूठ बोल रहा था या फिर लक्ष्मी हमसे झूठ बोल रही है? नहीं लक्ष्मी, तुम कभी ऐसा मत सोचना। गणेश की लाइफ में सिर्फ एक ही औरत थी और वो तुम थी। तो फिर उन्होंने उसी दिन क्यों बताई मुझे 6 किलो सोने की बात? और जॉन वो पुणे क्यों जा रहे थे? तुम सिर्फ एक बात याद रखना, गणेश तुम पर और चित्रा पर अपनी जान छिड़कता था। तो फिर क्यों रखा मुझे इतने साल अंधेरे में कि वो एक क्रिमिनल है? तुम उनके बेस्ट फ्रेंड थे और तुम जरूर ऐसा कुछ जानते हो जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हें बताने के लिए कि जिसे सुनकर तुम्हारा दर्द कम हो जाए। लाल टोपी और गॉगल्स पहना हुआ वो आदमी शादाब खान था। इस शादाब को ढूंढने में हमारा काफी वक्त और एनर्जी लग चुकी थी, पर तब तक हमने इस क्राइम का जो कंस्ट्रक्शन कर रखा था, जो सोचा था कि ऐसा हुआ होगा, पर दरअसल वैसा नहीं हुआ था। सर क्राइम अगर आपके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं हुआ था तो फिर एक्चुअली में हुआ क्या था? इस केस की तहकीकात हमें काफी दूर ले गई, आउट ऑफ स्टेट। गणेश कोटियान की जिंदगी के टुकड़े बटोरते बटोरते काफी वक्त निकल गया, पर इस केस का सबसे अहम सुराग उसी डिटेल में मिला कि बेंगलुरु के चंद्रापुर में गणेश अपने दोस्त मयूर हेगड़े की कार लेकर 11 फरवरी की रात को किससे मिलने गया था। शरद और एक हिस्ट्री शीटर, इसकी गणेश के साथ क्या हिस्ट्री थी? पता नहीं इससे कोई लीड मिलेगी या ये भी कोई डेड एंड होगा, पर इस बंदे का कहना है कि गणेश इसके पास आया था प्लान लेकर, चोरी किडनैपिंग, पता नहीं गणेश ने इस बार कौन सा क्राइम प्लान किया था। गणेश कोटियान को किसने मारा महेश? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। तूने खुद मैसेज भेजा और कहा तुझे कुछ पता है? नहीं साहब, मैंने बोला था कि जगन को मालूम है। वो चैन खींचने वाला जगन हीरामत? वो 2 दिन पहले मेरे दोस्त कालू के यहाँ आया था, तो कालू ने बताया वो उसके साथ ताड़ी पी रहा था, तो साहब जगन ने उसको बताया कि गणेश कोटियान जगन से मिलने आया था पुणे जाने से पहले। शरद हम इस जगन को ट्रैक कर सकते हैं तुरंत। कौन सा पुलिस थाना? ओके मुत्तप्पा, थैंक यू दा। शरद गुड लक के लंबे अकाल के बाद अब लक ही लक बरस रहा है। मेरा एक खबरी बोला कि ये जगन हीरामत रामनगर पुलिस थाने की कस्टडी में है, 3 दिन पहले चेन स्नैचिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।
इस जगन को यहां पूछताछ के लिए बुला सकते हैं? जगन, तो 11 फरवरी की रात को गणेश कोटियां चंद्रापुर में तुमसे मिलने गया था? नहीं साहब, वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था। मैं तो बस वहां था लक बाय चांस। मैं था गणेश के साथ उस रात जब उसने नाकाबंदी पर गाड़ी रोकी। मैंने ही गाड़ी रोकने के लिए कहा। रुको रुको, साइड में लगा दो, आगे नाकाबंदी है। तब तुझे पता था कि बैग में 6 किलो सोना है? 6 किलो सोना उस बैग में? सब सुबह खोल करके मैं देखने ही वाला था, लेकिन बैग गायब हो गया। कैसे जगन, बैग अपने आप गायब नहीं होता। उस रात कार में दूसरा बंदा ये था, ये जा रहा था गणेश के साथ पुणे। साहब, फोटो दिखाने की क्या जरूरत है? ऐसे ही पूछ लिया होता कि उस रात गणेश के साथ कौन गया था पुणे। साहब, सादाब खान नाम है इसका। ठीक से देख फोटो, ये वही शादाब है जिसका तू नाम ले रहा है? हाँ साहब, ये सादाब खान ही है। ये लाल टोपी और गोगल पहन के लोगों से छिप सकता है, लेकिन मुझसे नहीं और गणेश से भी नहीं। हम दोनों उसको अंदर बाहर से जानते हैं। वही तो था उस रात गाड़ी में हमारे साथ। क्या गणेश अन्ना, अब क्या नया प्लान लाया है? चोरी या किडनैपिंग? मर्डर। अन्ना, मैं चला। शादा, तू आ रहा है? गणेश, मैं मिलता हूँ आपसे। मैं और शादा दो दो क्वार्टर डाउन थे, खूब चढ़ी थी, लेकिन चोर हूँ आदत से मजबूर। उठा लिया गणेश का बैग, सोचा कुछ नहीं तो 2-4 हजार तो निकले गई अंदर। बस सीधा बैग घर के कोने में रख दिया और सो गया। सुबह उठ करके देखा तो बैग नहीं था, गायब। सच में साहब, बैग गायब। मैं समझ गया कि शादा भी बैग ले गया होगा। मैं सीधा उसके घर पे गया 50-50 करने के लिए, लेकिन साले के घर पे ताला था। तुझे ये पहले से पता था कि शादा भी गणेश के साथ गया है? मुझे नहीं पता था, लेकिन जब ताला लगा देखा तो मेरे को थोड़ा डाउट गया। फिर जब खबर फैली कि गणेश का मर्डर हो गया है, फिर मैंने देखा साहब कि अपना शादा ठंडा होके घर में चुपचाप बैठा है। क्या गणेश ने तुम्हारे साथ मिलकर भी कभी किसी जुर्म का प्लान बनाया था? हाँ साहब, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए लेकर के आया था। चोरी का प्लान था किसी ज्वेलर के यहाँ? हाँ साहब, लेकिन बहुत छोटी फटीचर सी दुकान थी, लूटता भी तो 2 लाख से कम ही मिलता, इसलिए मैंने तो लूटा ही नहीं। फिर बाकी लोगों की तरह लगा दिया चूना गणेश को। साहब, ये गणेश बड़े पैसे कमाने के लिए पागल हो रहा था। गणेश के पास 6 किलो सोना कहाँ से आया? मैडम, आप लोग तो बड़े लोग हो, मैं तो छोटा सा चोर हूँ, एक मामूली आदमी। लेकिन जरा आप लोग सोचिए ना कि अगर गणेश अन्ना के पास 6 किलो सोना होता तो इतने हाथ पैर क्यों मारता पैसों के लिए? वो प्लान वान बनाने की बजाय सीधा जाकर के सोना बेचता और अपनी उधारी चुकता करता। तो गणेश ने तुम्हारे साथ मिलकर किसके मर्डर का प्लान बनाया था? साहब, खुद के मर्डर का। ए चकन, चैन खींचते खींचते अब पुलिस वालों की खिंचाई करेगा? तुझे क्या लगा यहां टाइम पास हो रहा है? डाल दो लंबे टाइम के लिए अंदर। क्या जमाना आ गया है साहब, एक तो पुलिस वालों की हेल्प करो और अंदर जाओ, अभी शादाब को उठाओ और केस क्लोज करो ना। जरा हमें यह समझाया कि ये खुद के मर्डर का माजरा क्या है? वो सच में चाह रहा था कि मैं उसका मर्डर करूं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो गणेश के दोस्त जॉन को उठा लो।
गणेश, ये प्लान सबसे पहले उसी के पास लेकर के तू गया था। चूहे बिल्ली अकेले खत्म हुआ जॉन, हमें सब पता चल गया। तुम्हारा फोन और तुम्हारे घर का दरवाजा बंद क्यों था? शादाब, बैग किधर है? मेरे पास है अन्ना। पैसे हैं अन्ना? मैंने ठीक किया ना जगन के घर से बैग लाकर, वरना आप ये पैसे भी खो देते। और मैंने कितनी बार बोला है आपको अन्ना, ये जगन ना बाला और ईश्वर की तरह है, सिर्फ आपको लूटने के लिए दोस्ती कर रहे हैं आपसे। उनके दिल में ना आपके लिए कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा बड़ा प्लान बनाकर क्या जरूरत थी इतना सारा कर्जा लेने की? हालत देखिए आपने अपनी। मेरी हालत अब सुधर नहीं सकती शादा, ये मैं जान गया। मैंने अपनी चिता बना ली है, लेकिन वो लोग आग मेरे घर को देंगे, मेरी बीवी, बच्ची, अम्मा, अप्पा, सबको परेशान कर देंगे पैसों के लिए। शादा, अब मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मेरा ये काम कर दे बस, चल मेरे साथ। ये आखिरी 1,00,000 बचे हैं मेरे पास, ये रख ले। अभी रख ले, रख ले। शादा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त जॉन, उसने भी ये काम करने से मना कर दिया। अमीर बनने के चक्कर में मैं इस चक्रव्यूह में फंस गया हूं शादा, लेकिन मेरे कारण मेरी फैमिली क्यों भुगते यार? मुझे उन पर रहम आ गया था, मैं उनके साथ चला गया। पूर्णा, पुणे पहुंचने तक तू जॉन से बात करना, ठीक है? गणेश ने मुझसे बहुत कहा, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। उसने बोला तेरे नाम की टिकट बुक हुई है, बहुत जोर दिया, लेकिन मैं उसके साथ जाने वाला नहीं था। उसका प्लान पागलपन था। प्लान? खुद को मरवाने का प्लान? जी सर। और तुमने उसे रोका नहीं? बहुत ट्राई की, बहुत समझाया सर। गणेश, तू पागल हो गया है, फुल्ली कंप्लीटली पागल नहीं, कंगाल हो गया हो, फुल्ली कंप्लीटली। फिर से कुछ काम शुरू कर देना। क्या काम है यार, कोई भी जॉब करो, कोई भी बिजनेस करो, करोड़ों की रीपेमेंट कैसे होगी? एक तो इतने सालों से जो मैंने उनसे सोना चुराया है उसके करोड़ों बनते हैं, और वो कमाने के लिए मैंने जो किडनैपिंग प्लान की, जो चोरी प्लान की, उसके लिए मार्केट से लाखों रुपए उठाए मैंने। वो सब लौटाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है जॉन। कोठी है? नहीं जॉन, वो कोठी नहीं है, वो मेरी फैमिली का घर है, उनकी सिक्योरिटी है वो। ठीक, तो हिम्मत रख, कोठी फिर से बन जाएगी। नहीं यार, इस हालत से बाहर आना अब मुमकिन नहीं है, वो लोग मेरी फैमिली को जीते जी मार डालेंगे यार। तूने मुझसे बोला कि तेरे गोल्ड के बिजनेस को दुनिया से सीक्रेट रख, मैंने किया, मैंने तेरी बात मानी, क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मैं तुझे मारने की बात सपने भी नहीं सोच सकता। एहसान समझ के कर दे यार। देख जॉन, अगर कार्टल को पता चल गया ना कि मैं भाग गया हूं या मैंने सुसाइड कर दिया है, तो वो लोग चित्रा और लक्ष्मी को नहीं छोड़ेंगे। क्या यार, तेरी लाइफ पहले कितनी सेट थी, पर अगर तू चाहता ना तो तेरी लाइफ वैसे चलती रहती, और ये सब नहीं होता। जो हो गया है उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन जो होने वाला है वो मेरे हाथ में। हाथ जोड़ता हूं यार जॉन, आ मेरे साथ। नहीं,
कभी नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं उसे रोक नहीं पाया सर। तुम उसे रोक नहीं पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और भी उसे रोक नहीं पाता। पुलिस के पास आते, वो मेरा फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड सर। तो मतलब पूना में जो हुआ वो गणेश कोटियान ने खुद प्लान किया था, ये कहना चाहते हो? हाँ सर। ऑटो पकड़, कोथ रोड बोल। कोथ रोड में करवे चौक के आगे शिवाजी का पुतला है, वहाँ उतर जा। वहाँ पहुँचने के बाद पहले ने और मेरे से बात होने के बाद फ़ोन को स्विच ऑफ करके वहीं कहीं फेंक देना। हेलो, सब ठीक? हाँ सब ठीक। भिंजेवाड़ी में मिलते हैं। अब हम लॉज जाएंगे, तुझे याद है ना क्या करना है? याद है। छोटा सा लॉज है और पूरे लॉज में सिर्फ एक सीसीटीवी है, और उस दिन गणेश कोटियान के अलावा उस लॉज में और कोई गेस्ट नहीं था। तो क्या ये बात गणेश कोटियान को पहले से पता थी? उस लॉज में पहले भी रह चुका था? अब ये सब तो नहीं मालूम, मैं बस उतना ही करता गया जितना गणेश ने मुझसे बोलते गए। सर मैंने लॉज का रजिस्टर चेक किया था, गणेश वहाँ पहले कभी नहीं रहा। फिर छोड़ दो, नहीं करते सर, उससे नहीं हो पाएगा। तो क्या नहीं हो पाएगा पगले, तुझे कुछ करना ही नहीं है। देख जितना बोला है ना उतना ही कर। चुप, मैं जरा बाहर चक्कर मार के आता। और सुन, भागना मत दोस्त, मेरे सारे प्लान्स में लोगों ने मुझे दगा दिया। कम से कम तू मुझे दगा मत देगा। ये प्लान फेल नहीं हो सकता शादा। मुझे लगा वो बाहर सिर्फ ये देखने के लिए गए थे कि मैं भागूंगा तो नहीं। अब मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था वो। मेरे हाथ पर थर थर कांप रहे थे, दिल फटने को हो रहा था, बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। शुक्रिया मेरे दोस्त, तू बैग लेकर निकल जा। बैग में 1,00,000 रुपए पड़े, वो रख ले तेरे पास और बैग कहीं जाके फेंक दे जहाँ पर किसी को ना मिले। दूर कहीं जाके फेंक दे ना, छोड़ दो, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा, मत करो ऐसा, मैं बता रहा हूँ। चुप 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 चुप। यहां से निकल जा वरना तू पकड़ा जाएगा और सब चौपट हो जाएगा। जा निकल। और हाँ, तब भी रिसेप्शन के बाहर निकलना जब रिसेप्शन पर कोई ना हो। निकल जा।
उस बैग में कोई सोना था ही नहीं। सोना होता तो गणेश अन्ना जिंदा होते ना। सर हो सकता है गणेश ने अपनी पत्नी लक्ष्मी से कि 6 किलो सोने का झूठ इसलिए बोला ताकि ऐसा लगे सोने के लिए उसे मार दिया गया। जॉन, जगन और शादाब तीनों को गणेश के सुसाइड का पहले से पता था। दो लोग चुप बैठे, तीसरे ने उसे साथ दी। श्रीधर, हम इन तीनों की पुणे कस्टडी की रिक्वेस्ट भेजेंगे और इन तीनों को अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस पर बुक करने का प्लान है हमारा। ओके शरद, ऑर्डर्स मिलते ही हम यहाँ से प्रोसीजर शुरू कर देंगे। जॉन को पता था? हाँ, पर वो उसे रोक नहीं पाया। प्यार करती थी मैं उनसे, वो हमारा सब कुछ थे, मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, मुझे सवाल करने चाहिए थे, गलत रास्ते पे जाने से रोकना चाहिए था, वापस लाना चाहिए था। मैडम, उनके पैसों से ज्यादा वो चाहिए थे हमें। मैं समझ सकती हूँ लक्ष्मी जी, पर केस यही है, आपके हस्बैंड ने सुसाइड किया। हमने कम से कम 10 बार रीचेक किया है ठीक से कंफर्म करने के लिए। सुसाइड ही था? यस, स्विच में से जो फिंगरप्रिंट हमें मिले हैं फैन की स्विच में से, वो गणेश कोटियान के ही हैं। रस्सी बांधने के लिए फैन स्विच ऑफ किया होगा। मुझे पूरी रिपोर्ट जल्द से जल्द भेज दो, हम चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। तो सर, जो सुसाइड था वो मर्डर लग रहा था और मर्डर की इन्वेस्टिगेशन का एंड रिजल्ट ये निकला कि वो आखिरकार सुसाइड ही था। लेकिन सर, इससे गणेश कोटियान को हासिल क्या होने वाला था? गणेश के इस प्लान के बारे में हम उतना ही जानते थे जितना हमने उन लोगों से सुना जो गणेश के इस प्लान के बारे में जानते थे, बट एग्जैक्ट डिटेल्स वो तो गणेश ही हमें बता सकता था, पर गणेश अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अगर गणेश कोटियान अपनी खुदकुशी को कत्ल का रूप देके अपनी फैमिली को कर्जदारों से बचाने की सोच रहा था तो वो गलत सोच रहा था। अपनों के लिए मरने से ज्यादा जरूरी होता है अपनों के लिए जीना। हर जिंदगी को और बेहतर बनाने की गुंजाइश होती है, पर वो गुंजाइश जुर्म के जरिए कैसे पूरी की जा सकती है? जुर्म कभी अरमानों के पंख नहीं बन सकता, जुर्म सिर्फ एक तीर बन सकता है जो खुशी के परिंदे को गिरा सकता है और गिरा देता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।